आइए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मोमेंट को उस बेटी के द्वारा भेंट किया जा रहा है जिन्होंने अपने हाथ से वो बनाया। और साथियों, मेरे मेवात क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए मित्रों, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय संचालक जी और माननीय सीएम साहब का, जिन्होंने अपने बेटों को दो लाइन सुनाने के स्वागत के सम्मान में दो लाइन सुनाने का मौका दिया। तो आइए दो लाइन कहते हुए जरा ध्यान दीजिएगा, बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं कि पावन पवित्र गंगा जल को जमुना में बहते नहीं देखा। साथियों लाइन देखिएगा, पावन पवित्र गंगा जल को जमुना में बहते नहीं देखा, और शेर चाहे बुढ़ा भी हो पिंजरे में रहते नहीं देखा। नरेंद्र मोदी के जैसा कोई विश्व विजेता नहीं देखा। नेता हरियाणा में बहुत हुए पर मनोहर लाल सा नेता नहीं देखा। नेता हरियाणा शहीद जमीन मेवात की धरती को सलाम करता हूँ। ये धरती शहीदों की धरती है और ये शहीद यहाँ के आवाम की तासीर के हिसाब से कभी भी इस देश के ऊपर बाहर के देशों के आक्रमणकारी कभी भी आए तो मेवात के नौजवान उनका मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहे और उन्होंने अपनी शहादत दी है। चाहे वो बाबर का हमला हो, चाहे अकबर का हमला हो, चाहे औरंगजेब का हमला हो, यहां शहीद हसन खां मेवाती ने 12,000 फौजियों को अपने साथियों को लेकर के मुकाबला किया है और उस समय के वक्त को यदि याद किया जाए तो एक कवि ने दो लाइनें लिखी हैं, इतकू दिल्ली आगरो इतकू जैसलगढ़, इतकू दिल्ली आगरो इतकू जैसलमेर इतकू कालो पहाड़ मेवात को लड़ो रांगा सांगा की गए। तो रांगा सांगा ने जिस प्रकार से मुकाबला किया यहां आकर के और हसन खां मेवाती ने जिस प्रकार से 12,000 सैनिकों को लेकर के सन 1527 में खानुमा में युद्ध जो हुआ उसमें से इस इलाके के लोगों का देश के साथ जो प्यार है, मादरे वतन के साथ जो प्यार है उसको बताता है। आखिर तो अंग्रेजों के खिलाफ भी यहां के मेवाती जवानों ने देश की आजादी की पहली लड़ाई में अपनी शहादत दी थी। वो शहादत भी इसी इलाके में बताई जाती है कि यहां पर